नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तारीख नजदीक आ गए हैं। 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इससे पहले तमाम पार्टियां मैदान में हैं और जेडी महागठबंधन के ओर से दोनों सीटों पर लड़ रही है। मुकाबला सीधे बीजेपी से है, लेकिन बेहद ही दिलचस्प मुकाबला मोकामा में है। मोकामा में आरजेडी के ओर से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में हैं, तो बीजेपी के ओर से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है। इन सबके बीच आरजेडी ने अपने नेताओं को मोकामा में उतार दिया है। देखिए, रीतलाल यादव भी मोकामा के मैदान में कूद गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मोकामा यादव और भूमिहार बहुल इलाका, और यहां यादव वोटरों को जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने रीतलाल यादव को उतारा है। किस तरीके से रीतलाल मोकामा में माहौल बना रहा है, जरा देखिए। डर रहा है, पानी लगा, पानी बढ़िया है, रखे रहे दूरी रहा है, चंद जो बढ़िया से और जरी साइड दौड़े जीजे, साइड से खड़ा हो ना जी, और जरी साइड से खड़ा कुछ बोलते तो बोलूं तो बोल भाई तो भोगे जनता के थैंक यू सर, जल्द रहते हैं बाबा गिर सा तो बोल ही महेश भैया आव ना, विजय बाबू
आओ ना महेश जी, ठीक है, आइए ना महेश जी। मोकामा में रीतलाल यादव पहुंच चुके हैं। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने मोकामा में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। तमाम राजद नेताओं को अब मोकामा भेजा गया है। ऐसे में रीतलाल को इस वजह से भेजा गया है कि रीतलाल यादव यादवों को एकजुट करेंगे। और लालू यादव का बात तो आपको याद ही है, यादव टूटे वाला है। देखिए क्या होता है मोकामा में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।